तो फेसबुक एड्स कोर्स की आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग अपने ही अपने क्लाइंट के लिए फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं जो भी 2021 का इंटरफेस है उसके हिसाब से। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में हिंट भी देने वाला हूं कि किस तरह आप लोग इस सर्विस को सेल करके ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल एचबीए सर्विसेज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर फेसबुक एड्स 2021 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये उसी कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि फेसबुक बिजनेस पेज 2021 में हम लोग किस तरह इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है। ये फेसबुक पेज जो है ये इनका न्यू इंटरफेस है। आपने सिंपली यहाँ पर प्लस का बटन आपको नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो पोस्ट, स्टोरी, रूम, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें फिलहाल जाना है जी पेज के ऊपर। आप ग्रुप वगैरह बाकी भी क्रिएट कर सकते हैं बट फिलहाल अभी हमने पेज क्रिएट करना है, तो आप सिंपली पेज के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और चीज़, अगर आप ओल्डर वर्जन फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं तब भी टेंशन नहीं लेनी। ये एक URL देखिएगा जरा स्क्रीन पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, web.facebook.com/pages/creation। तो आपने सिंपली इसी URL को अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर लें या टाइप भी कर लें तो ये अगेन अगर आप ये URL देखिएगा तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पेज के ऊपर। तो अगर आपको ये प्लस बटन नहीं मिल रहा या क्रिएट अ पेज का ऑप्शन नहीं भी मिल रहा तो टेंशन नहीं लेनी, ये URL कॉपी पेस्ट करके आप कर लें या इसको टाइप कर लें तो आप सिंपली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि स्टेप बाय स्टेप पेजेस बने होते थे, अब हम जो भी चेंजेस करते हैं वो लाइव आ जाते हैं, सिर्फ ये एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पेज को एक नेम दे लेते हैं। तो ये हमने अपने पेज को नेम दे लिया। आपके जो भी आप अपने बिजनेस का नेम रखना चाहते हैं, आप अपनी सर्विसेज, जैसे कि अगर आप फाइबर पर गिग सेल कर रहे हो या आप वेब डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप अपना एक फेसबुक का बिजनेस पेज जरूर क्रिएट कर लो। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह जब हम एड्स वगैरह देखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा फेसबुक पेज। ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं अभी कि फेसबुक एड्स चलाने के लिए आपको फेसबुक बिजनेस पेज की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफाइल से ऐड नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेज ज़रूर क्रिएट कर ले भाई, ज़रूर क्रिएट कर ले। अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आपको एक फेसबुक बिजनेस पेज की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। सेकंड, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है जी कैटेगरी की। आप यहाँ पर तीन कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं बट जो आप फर्स्ट कैटेगरी ऐड करेंगे वो आपके जो बिजनेस का नेम है उसके नीचे जो कैटेगरी का सेक्शन आ रहा है वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से एजुकेशन, तो यहाँ से मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया। इसके अलावा आप जो भी कैटेगरीज हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप तीन कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने कैटेगरीज ऐड कर ली। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी है, तो यहाँ पर मैंने एक डेमो डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी की हुई है तो मैं वही यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिएगा हमारा पेज भी यहाँ पर नेम भी आ गया, कैटेगरी भी होगी और अबाउट सेक्शन भी आ गया। मैं यहाँ पर से सिंपली क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पेज के बटन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लोगो ऐड कर लेता हूँ। आपने ये जो कैमरे का आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से एडिट प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपलोड फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैंने अपनी इमेज यहाँ पर ऐड कर दी और यहाँ पर सिंपली मैंने सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। एक और चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी है अगर आप लोग फेसबुक पेज अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं बट आप इसको इन डिटेल सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक दे दिया है जिसके अंदर सिर्फ इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, वो 2020 का इंटरफेस है बट आप इसके अंदर फेसबुक SEO सीख जाओगे, फेसबुक पर शॉप कैसे क्रिएट करते हैं वो इन डिटेल एक कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, आप वहाँ पर सीख सकते हो अगर आप इसे इन डिटेल सीखना चाहते हो। अदरवाइज आपका काम करने के लिए, आपके क्लाइंट के जो छोटी मोटी सेटिंग करने के लिए ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी है। अब हम कवर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से अगेन एडिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं करूँगा अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक। तो हमारी ये फोटो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है कवर आर्ट। तो तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइवर ओपन किया हुआ है। नंबर वन अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सर्च किया हुआ फेसबुक कवर पेज, तो यहाँ पर आप देखें बहुत से लोग यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं $35, $10, $5 और ये फेसबुक बिजनेस पेज जो है उसका कवर जो है सिर्फ कवर, बाकी आप लोगों की भी सर्विस अलग दे सकते हो, कवर की सर्विस अलग दे सकते हो। तो यहाँ पर देखें आपने सिर्फ ये मैंने सिर्फ कवर सर्च किया हुआ है, तो बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जी canva.com, आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर देखिए बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं। आप क्या करो यहाँ पर से क्लाइंट, मतलब आपने काम चलाना, अगर $5 की $5-10 की सर्विस दे रहे हो तो आप काम यहाँ से चला सकते हो। थोड़ी बहुत टेम्पलेट एडिट करो, क्लाइंट को सैंपल सेंड करो, उसे पसंद आता है उसे चेंज करो, उसका बिजनेस नेम वगैरह लगाओ एंड दैट्स इट। $5-10 के लिए ये सर्विस काफ़ी है। अगर आप लोग फेसबुक बिजनेस पेज मैनेजर की सर्विस दे रहे हो, पेज क्रिएशन की सर्विस दे रहे हो तो देन आप कैनवा को यूज़ करते हुए फेसबुक पेज लोगो और फेसबुक पेज कवर की सर्विस भी यहाँ पे canva.com का यूज़ करते हुए दे सकते हो। दूसरी सर्विस जो यहाँ पर है आप लोगों के लिए वो है जी फेसबुक
पेज क्रिएशन। तो यहाँ पर आप देखें मैंने कीवर्ड सर्च किया हुआ है इंप्रेसिव फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन। इस कीवर्ड पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, आप थोड़ा सा मजीद सर्च कर लीजिएगा। कीवर्ड रिसर्च मैंने सिखाया हुआ अपने चैनल पर किस तरह फाइबर के लिए की जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो $10, $5, $10, मतलब अलग अलग यहाँ पर सर्विसेज लोग दे रहे हैं। देखें कोई $120 में भी यहाँ पर सर्विस दे रहा है, वो फेसबुक पेज को मैनेज भी करेंगे साथ के साथ। तो आप यहाँ पर गिग को एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर अपने लिए भी मिल जाएगी। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपने अपनी ओरिजिनल फेसबुक की प्रोफाइल यूज़ नहीं करनी। और दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि कोशिश करें कि क्लाइंट को कह के वो फेसबुक पेज आप उसे गाइड करके एक बार क्रिएट करवा लें, बाकी लोगो कवर डिस्क्रिप्शन वगैरह ये आप खुद उसे वो आपको एडमिन बना देगा और आप उसे एडिट कर दें। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो बैन नहीं होती। अगर अदरवाइज अगर आप खुद क्रिएट करते हैं बाद में क्लाइंट को एडमिट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर रिस्क होता है, आपकी प्रोफाइल को रिस्क होता है, वो बैन हो सकती है। तो मशवरा यही है कि आप क्लाइंट से बस पेज क्रिएट करवा लें और बाद में आप उसे एडिट वगैरह करके पेज पूरा सेटअप करके आप उसे दे दें और बाद में आप उसे पेमेंट ले सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है। और अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल यूज़ नहीं कीजिएगा, किसी नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर लें और उससे आप क्लाइंट का काम कीजिएगा। तो ये तो बात होगी अर्निंग अपॉर्चुनिटी की। यहाँ पर हमारा कवर भी ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पर देखिएगा ये ड्रैग आ रहा है, मैं इसको अगर ऐसे करूँ मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट वेट भी कर सकता हूँ। हमारा लोगो भी ऐड हो गया, हमारा कवर भी ऐड हो गया। अब हम इस पेज की थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे। यहाँ पर क्रिएट अ यूज़र नेम की ऑप्शन आ रही है। अब ये क्यों ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा यूआरएल कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप ये यूज़र नेम यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HBA डिजिटल, तो क्या होगा facebook.com/HBA डिजिटल को लिखेगा तो डायरेक्टली वो मेरे फेसबुक पेज पर आ जाएगा। उसे नंबर वगैरह ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा होता है कि आप अपना यूज़र नेम क्रिएट करें। अगर आपका पेज बिल्कुल न्यू है तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम फेसबुक जो है वो क्रिएट नहीं करने देगा। या फिर आपके फेसबुक पेज पर 25-30 लाइक्स होंगे तो आप अपना यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप सभी यूज़र नेम को ले भी नहीं सकते, पहले आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि अवेलेबल है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये टिक आ रहा है, इसका मतलब ये अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पर क्रिएट यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो है वो यूज़र नेम सेट हो चुका है। अगर आपका नहीं हो तो आपने क्या करना है, पेज के ऊपर थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो, पोस्ट वगैरह कीजिएगा, थोड़ी एक्टिविटी होगी, आप यहाँ पर यूज़र नेम क्लेम कर सकते हैं। या फिर आप 25-30 लाइक्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका भी जो है वो यूज़र नेम ओके हो जाएगा। तो अगर आप यूज़र नेम इशू फेस कर रहे हो तो ये दोनों में से कोई काम कीजिएगा, आपको भी यहाँ पर यूज़र नेम मिल जाएगा। तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर URL देखिएगा जी, facebook.com/HBA डिजिटल, स्मॉल में लिखना था, कैपिटल में लिखा गया, बट इट्स ओके, स्मॉल में भी कोई सर्च करेगा तो हमारा पेज उसके सामने विजिबल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पेज हमारा क्रिएट हो गया, यूज़र नेम भी हमारा ओके हो गया। अब हमने यहाँ पर सिंपली सी आ जाना जी सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखें जी हमारा आ रहा है अबाउट का सेक्शन, आप डायरेक्टली यहाँ पर से जाएँ तो एडिट पेज इन्फो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर सेटिंग्स के ऊपर से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एडिट पेज इन्फो के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने यहाँ पर फिल करनी है, बिजनेस नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने ऐड कर देनी है जो कि हम कर चुके हैं, मेन पे कैटेगरी हमने ऐड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आती है जी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं आप कंट्री सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे दें, आपका जो भी ईमेल है आप यहाँ पर अपना ईमेल वेरीफाई करें, ईमेल एड्रेस एंटर करें, आप वेबसाइट अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर लिंक कर दें, जिस तरह कुछ लोगों के ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह होते हैं। या फिर अगर आप लोगों की फाइबर प्रोफाइल का लिंक आप शेयर करना चाहते हो, आपका कोई पोर्टफोलियो का लिंक है एज अ फ्रीलांसर आप वो शेयर करना चाहते हो, अपवर्क प्रोफाइल का लिंक शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एंटर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अगर आप लोगों के पास लेट्स से फ़ोन नंबर नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक कर दें माई पेज डजंट हैव अ फ़ोन नंबर, और सेम इसी तरह ईमेल और वेबसाइट के लिए भी अगर आप लोगों के पास नहीं है। अगेन लोकेशन की बात आती है, अब लोकेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका फिजिकल बिजनेस एड्रेस मौजूद है, कोई स्टोर हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, कुछ भी। तो अगर आपका फिजिकल एड्रेस है तो आप यहाँ पर लोकेशन को सेलेक्ट करें और बाकी ओके। उसके बाद और जा जाते हैं, आपका बिजनेस किन दिनों ओपन है, आपके क्लाइंट या आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, एड्रेस वगैरह, कब उनका बिजनेस ओपन है, कब बंद है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह अब हमारी एक मिसाल के तौर पे हम ऑनलाइन सर्विस देते तो हमारा कोई ऐसा तो छुट्टी वाला दिन होता नहीं है, कभी भी छुट्टी कभी भी काम, तो हम यहाँ पे हमारे जैसे लोगों के लिए 9 आवर्स अवेलेबल हम यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है जी टेम्परेरी सर्विस चेंजेस, ये ड्यू टू COVID-19 ये एक्स्ट्रा फीचर आ गया है कि अगर आपका बिजनेस टेम्परेरी क्लोज्ड है COVID-19 की वजह से तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी शॉप ओपन हो रही है कुछ चेंजेस के साथ, जैसे कि आप डिलीवरी अगर दे रहे हो इन दिनों भी, तो आप यहाँ पर टिक कर दो कि भाई हम अभी भी डिलीवरी दे रहे हैं, पिकअप भी है, ये हम सर्विसेज COVID-19 की सिचुएशन में भी दे रहे हैं, तो आप यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हो।
या फिर लास्ट पर ऑप्शन है ऑपरेटिंग एज यूजुअल, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी वही रूटीन चल रही है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मोर की ऑप्शन है प्राइवेसी पॉलिसी का, आपके पेज का कोई लिंक है आप वो डाल सकते हो। इंप्रेशन की आपको यहाँ पर ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ अगर क्लाइंट आपका US UK का तो वहाँ पर वो आपको डिटेल दे देगा। प्रोडक्ट्स वहाँ पर, यहाँ पर अपलोड करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात आती है, आपका बिजनेस मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है चीप प्राइस में आती है मॉडरेट में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल या अनस्पेसिफाइड भी आप सिलेक्ट करके ओके कर दो। उसके बाद अदर अकाउंट्स, आपके YouTube, Instagram, Facebook, जो जो भी आपके अकाउंट्स हैं आप यहाँ पर लाजमी लिंक करें। इससे क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, उसकी एक आपके ऊपर वो आप ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हाँ यार ये बंदा फ्रॉड करके नहीं भागेगा, ये Instagram पर भी है, ये YouTube पर भी है, इसकी अपनी वेबसाइट भी है, तो ये एक पूरी प्रोफाइल बनाकर आया है, तो ये एक ट्रस्टी बंदा है। जो नॉर्मली जिन्होंने फ्रॉड करना तो वो इतनी झंझट नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद आपका ये एक पूरा आराम से Facebook का जो पेज है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने विद इन फ्यू मिनट्स हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो गया। और इसी तरह आपने अपने क्लाइंट के लिए भी फेसबुक का पेज क्रिएट कर लेना है। एंड आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपने अपना पेज ज़रूर क्रिएट कर लिया हो। जो जो जिनके पास ऑलरेडी पेज मौजूद है मुझे कमेंट करके बता दें, और जिन लोगों ने अब क्रिएट करना है वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं देखूँ तो सही कौन कौन लोग सीरियस हैं ये कोर्स करने के लिए, क्योंकि पेज ज़रूरी है, अदरवाइज आप फेसबुक एड्स रन नहीं कर सकोगे। और इन डिटेल सीखना चाहते हो, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, शॉप कैसे क्रिएट करनी है, फेसबुक पेज का SEO कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कोर्स का लिंक दे दिया है, उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक है, मैं 1000 लाइक्स बहुत ज़्यादा है पता है मुझे भाई, बहुत ज़्यादा है, 100-200 बड़ी मुश्किल होने, 1000 मैं बोल रहा हूँ, बोल दिया भाई बोल दिया। अगर कर सको तो कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।